आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिद्धि पाठक आज आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने के पीछे अनेकों मान्यताएं हैं, जो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहली मान्यता यह है कि इस दिन देवाधिदेव शिव जी का ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र रूप में जन्म हुआ था। दूसरी मान्यता, इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के संग विवाह किया था और महाशिवरात्रि इसी शुभ मिलन का उत्सव है। तीसरी मान्यता, जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष का घड़ा भी था। तो शिव जी ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उस विष को पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। तभी दुनिया के उद्धारकर्ता शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। चौथी मान्यता, जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आती स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने पूर्ण वेग से आती है, तो शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में धारण करते हैं और गंगा को कई धाराओं के रूप में पृथ्वी पर छोड़ देते हैं और साथ ही पृथ्वी पर विनाश होने से रोकते हैं। तभी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।